वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव से चुनावी पारी का आगाज फिर से हो रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं, बल्कि मैं चाहता हूं कि वो मुझसे पहले संसद में हों। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि प्रियंका गांधी उपचुनाव के लिए कैसे राजी हुई, इस पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बड़े पैमाने पर जो इरादे हैं और प्रियंका जो मेहनत कर रही हैं, वो सांसद के रूप में करें तो देश प्रगति की ओर जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैंने भी दबाव डाला और पूरे परिवार ने इकट्ठे तौर पर ये फैसला लिया है। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, ये सही समय है कि प्रियंका संसद पहुंचें। एबीपी न्यूज के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं हमेशा बोलता था कि मेरी इच्छा है कि पहले प्रियंका संसद पहुंचें, मैं मेहनत करता रहूंगा और अगले चुनाव में भाग लूंगा। प्रियंका के चुनाव लड़ने के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैंने प्रियंका को समझाया कि उन्हें संसद में जाना चाहिए, इस बार मैंने ना नहीं सुना, पूरे परिवार ने मिलकर ये फैसला किया। परिवारवाद के आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बीजेपी को अपने घर में झांकना चाहिए, उनकी पार्टी में परिवार वाले नेता भरे हुए हैं, जनता ने उनके 400 पार के नारे की हकीकत बता दी, बीजेपी अयोध्या में हारी। उन्होंने कहा कि लोग सोच रहे थे कि राम मंदिर बना, लेकिन उनके घर उजड़ गए और रोजगार नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार में अजीबोगरीब बातें की, इसके साथ ही बीजेपी का अहंकार लोगों को पसंद नहीं आया। वहीं नीतीश कुमार को लेकर पूछे गए सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी छोड़ सकते हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी खुश नहीं है, ये हल्की सरकार है, विपक्ष मजबूत है, ऐसे में विपक्ष के बिना सरकार कोई फैसला नहीं करेगी। इस बीच जब नेता विपक्ष राहुल के बनने को लेकर सवाल पूछा गया तो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी पूरी लगन के साथ काम करते हैं, मैं चाहूंगा कि उन्हें जरूर नेता विपक्ष बनना चाहिए, पीएम का पद गठबंधन तय करेगा, हम किसी पद के बारे में नहीं सोचते, लेकिन यदि वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए अच्छा रहेगा। उत्तर दक्षिण के गणित को लेकर पूछे गए सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये अच्छा है कि राहुल गांधी उत्तर में और प्रियंका गांधी दक्षिण का प्रतिनिधित्व करेंगे, राहुल वायनाड जाते रहेंगे, प्रियंका यूपी जाती रहेंगी, इससे पूरे देश की जानकारी बनी रहेगी। इस दौरान वाड्रा ने कहा कि जब प्रियंका पहली बार संसद में बोलेंगी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उनके पहले भाषण का इंतजार है।